Hello, my dear students. Good afternoon. Welcome back for the next lecture. Today we will do electric flux. Before going to electric flux, let me explain you about area vector. So see, you know area is a scalar quantity. Area is a scalar quantity, but in physics, in some cases, we consider it as a vector quantity. Now, how to make a scalar quantity into a vector quantity? Area एक scalar quantity है, but physics में हम उसे कई बार vector quantities की तरह consider करते हैं. तो एक scalar quantity को vector quantity में कैसे convert किया जा सके? It's very simple. हम उसे एक unit vector के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो फॉर एग्जांपल वी हैव सम एरिया, से दिस इज एरिया, दिस इज हेल एरिया ए, और यू कैन से एस. आई टेक एस फॉर एग्जांपल. तो ये एरिया है, तो इसका डायरेक्शन किससे देंगे? डायरेक्शन ऑफ द एरिया इज गिवन बाय अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर. नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर मींस अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस. से फॉर एग्जांपल दिस इज एन कैप, and it is represented by n cap. It means an area vector can be written as A into n cap. Area and its unit vector n cap. This is area A. Agar S mein hai, what will we write? S vector ko hum kya likh sakte hain? S into n cap. Lekin agar area bahut chota ho, for example, koi surface hai, any surface you can take, like say this is the surface, और उसका छोटा पार्ट ले रहे हो, say this small part. तो इसका एरिया कितना है? अगर हम dA ले रहे हैं, तो dA वेक्टर कैसे लिखेंगे हम? इसका एरिया what's the magnitude of it? It is dA. और इसका यूनिट वेक्टर क्या है? इसका यूनिट वेक्टर means a vector which is perpendicular to its surface. हम उसे यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं. यूनिट, this is called यूनिट नॉर्मल वेक्टर. नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो दिस इज एन कैप. तो व्हाट इज डीए वेक्टर? डीए वेक्टर कैन बी रिटन एज डीए, सिंपल डीए, द मैग्नीट्यूड ऑफ डीए एंड एन कैप. और यू कैन से डीएस, डीएस अगर इफ यू वांट टू राइट दिस एज डीएस, डीए मींस एरिया एलिमेंट, एस डीएस मींस surface area limit. There is no difference in it. So you can use either A or you can S. But I use DS instead of DA. So it is DS and cap. So this is area vector. So what I want to say, area is not a scalar quantity. It is not a vector quantity. It is a scalar quantity. So in physics, we want this area vector to be in a vector quantity. हम इसे क्या करते हैं? हम एक यूनिट वेक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड दैट यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर. नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर. वो जो वेक्टर होता है उसको एन कैप लिखते हैं, और वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है. नाउ फॉर एग्जांपल ये ऊपर है तो नीचे भी हो सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. नीचे भी हो सकता है, अगर ये इस साइड है तो इस साइड भी हो सकता है. तो द सेंस इज, सेंस जो इसके लेना है कि आपने इस साइड लेना है कि इस साइड लेना है, तो आई विल एक्सप्लेन. अगर आप यहां से आ रहे हैं तो आप इस साइड से देख रहे हैं तो आप इस साइड, अगर आप इस साइड से एरिया को देख रहे हैं तो इस साइड. फॉर एग्जांपल वी हैव ए क्यूब, फॉर एग्जांपल वी हैव ए क्यूब लाइक दिस. तो इसका एन कैप ये होगा, इसका नीचे वाले का ये होगा, ऊपर वाले का ये होगा, इस साइड का ये होगा, इस साइड का एन कैप ये होगा, इस सरफेस का हमारी साइड होगा और उसका उस साइड होगा. तो विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू यूज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप. तो व्हाट इज एन कैप? इट इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ सरफेस. नाउ लेट्स कम टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स
linked with any surface is defined as the total number of electric field lines that pass through that surface. Actually, flux means the number of field lines. We have a gravitational flux, we can have a magnetic flux, we can have electric flux, we can have flux due to the flow of liquid. Whatever the thing that flows, it cuts some surface area. Kitna surface area ko ye cut karte hue chal rahi hai? That field, that gives its flux. For example, agar hum fluid ka flux lete hain, pani ka flux lete hain, to ek pani एक एरिया, ये फॉर एग्जांपल दिस इज एरिया, तो पानी की अगर रेज ले, रेज ऑफ वाटर, हाउ मेनी स्ट्रीम्स ऑफ इट इज कटिंग दिस एरिया गिव्स द फ्लक्स. एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट्स अ गिवन सरफेस एरिया दैट गिव्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स. An electric flux is a scalar quantity, and it is given by phi. This is phi, capital phi. So, what is electric flux? The number of electric field lines that cuts a given surface area. And flux is the number of field lines that cuts a given surface area. It can be gravitational flux, magnetic flux, electric flux, or flux through the, you can say, a liquid or fluid flux. So here we have dealing with electric fields, number of electric field lines that cuts a given surface area. And how you can find it? Kaise? So there is a formula. It is given by the product of the surface area and the component of electric field intensity along the area vector. So let me explain what is this. So let us consider. Surface consider. Let us consider surface. Let us consider a surface kept in a uniform electric field. Uniform electric field E vector. तो मान लेते हैं कि surface है. कैसे कर सकते हैं? तो for example, this is a surface. This is towards you. This is the back side. और इसको हमने रखा electric field. For example, this is the electric field. This is the uniform electric field. And uniform electric field is represented by parallel electric field lines. It has the same magnitude and same direction everywhere. This is uniform electric field. And say this is a page, simple page. Or is it cut curve? Check it. This is electric field. Uniform electric field. Its magnitude and direction is same at all points. तो ये एक पेज को कट करिए, इस पेज का एरिया कितना है टोटल. इधर यू कैन टेक ए और यू कैन टेक एस. सो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कटिंग दिस होल सरफेस एस, वो कैसे निकालेंगे? इट्स वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे, इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे लाइन एलिमेंट्स, सॉरी एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे. छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, स्मॉल स्मॉल. Let's divide this whole surface into small surface elements. छोटे हिस्सों में divide कर दो, as small as possible. And let's take one of it. मान लेते हैं हम ये ले रहे हैं surface. कौन सा surface ले रहे हैं? ये वाला छोटा सा. What's the area of this surface? It is ds. And what's the direction of this surface? Area vector कहाँ है surface का? अगर ये surface पूरा है तो इसका area vector तो यहाँ होगा. Here, this is n cap. Where is electric field at this surface? This is the direction of electric field. And what is the angle between them? It is say theta. So, how many electric field and what is the flux through this small surface?
the flux through the flux, obviously electric flux, the flux through the small surface element ds is given by d phi, small electric flux. Phi is the symbol for the whole flux, d phi is for the small flux, and it is equals to, or equals to, it is given by the product of the surface area. You can multiply the surface area. What is surface area? Ds. And the component of electric field intensity along the area vector. Component of electric field. This electric field ka area vector ki taraf kaun sa component hai? It's very simple. Agar ye E hai aur ye theta hai, this component will be E cos theta. Toh kaun sa component hoga idhar? E cos theta. इसका मतलब आपको एरिया को किससे मल्टीप्लाई करना है? E cos theta. See here, what is electric flux? Area element into the component of electric field over the, or you can say, along the area vector. आप उल्टा भी कर सकते हैं. Component of area vector over electric field, वो भी कर सकते हैं. उसमें क्या आएगा? अगर आप n, अगर ये n cap है, तो इसका इसको इस तरफ रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ds cos theta आएगा और साथ में e आ जाएगा. तो वी हैव द डेफिनेशन, बट द प्रीवियस वन वाज बेटर. क्या करना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेना है अलोंग n cap. If it is theta, angle is theta, तो इसका component इस तरफ क्या होगा? E cos theta, resolve करने, इस side क्या होगा? E sin theta, वो नहीं चाहिए हमें. The component which is along the area vector, n cap, वो component लीजिए. तो E का component इस तरफ कितना? E cos theta, और उसको multiply कर दो किससे? Area से. तो this is much better. So what is total flux then? Total flux is given by the surface integral of d phi, or you can say the surface integral of E ds cos theta. E ds cos theta, or you can say simply this flux equals to integral, surface integral E dot ds. You can use any of the formula. A dot B क्या होता है? Mod of A, mod of B, cos theta. Same here. E dot ds means E ds cos theta. What is theta here? The angle between E vector and n cap. So this is the formula of electric flux. So before I rub it, see once again. Area vector. Area vector is a vector which is perpendicular to the surface of the area, and it is given by unit normal vector, symbol is n cap. Area is kilo quantity hoti hai, lekin usko hum vector quantity mein convert karte hain by multiplying by a unit normal vector to it. What is electric flux? Number of electric field lines that cuts a given surface area. Now for example, this is a given surface area. To kitni electric field lines se cut kar rahi hai? And it is a scalar quantity and is represented by symbol phi. हमने एक एलिमेंट लिया, सरफेस एलिमेंट, एक पूरा सरफेस लिया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कटिंग दिस सरफेस एरिया, उसको फाइंड करने के लिए हमने इस पूरे सरफेस के क्या क्या कर लिए? छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, छोटे छोटे पार्ट कर लिए. एंड छोटे पार्ट का क्या नाम है? सरफेस एलिमेंट. इसका क्या नाम है? सरफेस एलिमेंट. सरफेस के छोटे पार्ट को क्या कहते हैं? सरफेस एलिमेंट. दैट इज कॉल्ड डीएस. हम उस ds में निकाल रहे हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कटिंग टू दैट एरिया, एंड इट इज गिवन बाय d phi, स्मॉल फ्लक्स. तो स्मॉल एरिया है, स्मॉल फ्लक्स. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स? हमें कैसे निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के साथ है वो लेना है, और एरिया वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड लेना है. इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द सरफेस एरिया and the component of electric field intensity along the area vector. तो हमें ds लेना है, और electric field का component along area vector क्या है? वो e cos theta है, वो लेना है, multiply कर देना है. total electric flux निकालना है, तो हम इसे integrate कर देंगे.
कौन सा इंटीग्रल करेंगे? सरफेस इंटीग्रेट, क्योंकि इट्स अ सरफेस एरिया, इंटीग्रेट कर देंगे सरफेस. किसको करेंगे? इसको करेंगे, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा. और वी कैन राइट ई डॉट डी एस, सिंपल. व्हाट इज डी एस वेक्टर है? वो मैंने पहले बताया. व्हाट इज डी एस वेक्टर? डी एस वेक्टर इज डी एस इंटू एन कैप. डी एस वेक्टर क्या लिख सकते हैं? डी एस इंटू एन कैप. दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ लेट्स डू सम केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो से करोगे तो मैं यहां लिख रहा हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स हियर? आई कैन राइट फाई ई आल्सो. व्हाट इज दिस? सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीएस. दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और समवन कैन राइट सिंपल सरफेस इंटीग्रल ई डीएस कॉस थीटा. व्हाट इज थीटा हियर? एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एन कैप. थीटा क्या है? एंगल बिटवीन E vector and n cap. Now first case, if theta is 0 degrees, what do you mean by theta is 0 degrees? Same figure. Agar area aise hai, surface area, electric field bhi aise chal rahi hai. See? Uniform here. तो व्हाट विल बी द फ्लक्स? व्हाट इज एन कैप? सी एम. अगर हम ये डीएस ले लेते हैं इसमें, इसका एन कैप कहां होगा? दिस साइड. इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इसी साइड है. व्हाट इज थीटा? थीटा इज 0 डिग्रीज. तो व्हाट इज द फ्लक्स? ऑब्वियसली फ्लक्स विल बी मैक्सिमम. द फ्लक्स विल बी इंटीग्रेट दिस ई डीएस कॉस 0 डिग्रीज, और यू कैन से इट इज ई डीएस, or you can say it is E into DS, or you can say E into S. What is S? Total surface area. Or you can say EA, if you are taking it S or A. Kuch bhi kar sakte hain. And it is maximum. Why it is maximum? Kyunki zyada se zyada electric lines se area ko zyada se zyada cut kar rahe hain. क्योंकि थीटा कितना है? जीरो. व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन कैप. दिस इज द फर्स्ट कॉरोलरी, स्पेशल केस. लेट्स लुक द सेकंड वन. इफ थीटा इज, ऐसे रख कर दो, इफ थीटा इज 90 डिग्रीज तो क्यों? सी द फिगर. अब क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रखा हमने, लेकिन एरिया ऐसा लगता है. सेकंड केस, थीटा इज 90 डिग्री तो ये डीएस है. इसका एन कैप कहां होगा? ऊपर वाली साइड. वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? थीटा. दैट इज इक्वल्स टू 90. व्हाट इज द फ्लक्स देन? इंटीग्रल ई डीएस कॉस 90. एंड व्हाट इज कॉस 90? इट इज जीरो. The flux will be zero. No electric field line will cut the surface. It's quite obvious. अगर आप एक पेज ऐसे रखेंगे और electric field lines ऐसे जाएगी, या एक हवा ऐसे जा रही है, या कोई चीज ऐसे जा रही है, तो it will not cut it. It will just touch the surface. Upper surface or bottom surface. It will not. Or you can say grazes it. Grazes the surface. It will not cut the surface. So what is total flux here? It is zero. That's the third case. If theta is 180 degrees, if theta is 180 degrees, no, 180 degrees के लिए आपका figure तो ऐसे ही बनेगा, कोई change नहीं, figure ऐसे ही बनेगा, तो बस सोचने की बात है, electric field जो मैं ऐसे कर लेता हूँ.
और बैटरी से आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लूड, ठीक है, फिर ऐसे कर दो इस साइड से, इस साइड से, क्योंकि यू आर सीइंग दिस सरफेस, इस सरफेस को देखना मुश्किल है इस फिगर में, दिस इज द फ्रंट ऑफ द पेज, दिस इज बैक साइड, तो ये वाली साइड आपको नजर आ रही है, इसलिए आई एम टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड, तो इस एरिया को कट कर, दिस इज डी एस, अब यहां एन कैप कहां है, हियर द एन कैप इज दिस वे, क्योंकि यू आर कंसिडरिंग दिस साइड ऑफ द एरिया, एंड वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग, दिस इज द एरिया वेक्टर, वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वे, व्हाट इज द एंगल, थीटा इज 180 डिग्रीज, तो व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स देन, इंटीग्रल एस ई डी एस कॉस 180, एंड व्हाट इज अवर कॉस 180, इट इज माइनस वन, तो इट इज ई डी एस माइनस वन, और यू कैन से इट इज ई एस बट माइनस वन, और यू कैन से इट इज माइनस ई ए, एंड यू कैन से इट इज मिनिमम, बट इफ इट इज मैक्सिमम देन इट इज मिनिमम, राइट, बिकॉज इट इज दैट इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो इन दिस केस व्हाट इज द फ्लक्स, माइनस ई ए, सी हियर, तो फ्लक्स कैन बी नेगेटिव, कैन बी, व्हाट इज द फ्लक्स हियर, पॉजिटिव, ऑल डिपेंड्स अपॉन द एंगल, हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग दैट वे, तो वी आर टेकिंग दिस एज द सरफेस, हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम टू दिस साइड, योर सरफेस लेयर, all depends upon n cap. So we have three cases and it is a scalar quantity. So what's the formula of electric flux? I am writing it again. See here, electric flux, surface integral E dot ds vector, this is the final expression for electric flux. This is the final expression for electric flux. And what are the units of it? What are the SI units? What are the SI units of it? It is, what is the unit of electric field intensity? Newton per coulomb. And what is the area? Meter square. The answer is Newton meter square coulomb minus 1. This is the SI unit of electric flux. What is electric flux? Number of electric field lines that cuts a given surface area. And this is the main formula. Now let's do some numericals based over electric flux, so that you can understand it very well. Let's do. What is electric flux? Number of electric field lines that cuts a given surface area. Now let's do some numerical. For example, this is electric field. और हम इसमें क्या रख रहे हैं? हम इसमें रख लेते हैं, for example, हेमिस्फीयर रख लेते हैं, लाइक दिस, सी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द, इसके अंदर अंदर से कट करते हुए चल रही, तो व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स, नो डाउट टोटल फ्लक्स विल बी zero. Why? Number of electric field lines that is coming in is equal to number of electric field lines that are going out. अब ये वाला सरफेस ले सकते हैं ऐसे वाला, to this surface. What is this surface? This surface is semicircle. Pi r square by 2. Semicircle.
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ये वाली ले रहे हैं, इस साइड ले रहे हैं, और एन कैप अगर ये ले रहे हैं, थीटा कितना आएगा जीरो, तो व्हाट इज द फ्लक्स है, फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स, सी आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी एस कॉस 0 degree, वाई जीरो, एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, व्हाट इज दिस ई ए और ई एस, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस, E into pi r square by 2. What is r here? Radius. This radius, or you can say this radius. Radius of the hemisphere. This is hemisphere. Electric field mein hemisphere ko rakha hai. The outward flux kitna hai? E pi r square by 2. If someone say what is the inward flux? To inward flux mein electric field udhar hi aa rahi hai. To is side se dekhna hai, to n cap kahan lenge aap? Is side lenge. व्हाट इज थीटा है, अब इस साइड देखने हैं तो थीटा कितना है, 180 degrees, तो व्हाट इज इनवर्ड फ्लक्स, फाई इनवर्ड, इनवर्ड फ्लक्स, व्हाट इज इनवर्ड फ्लक्स, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी एस कॉस 180 degrees, नो सी 180 डिग्रीज वंस अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एन कैप कहां ले रहे हैं, इस साइड में, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड and cos 180 is minus 1, so you can take minus outside, integral ds, what is the integral of ds, ye area, ya agar chota sa area ds hai, to iska pura integral kya hai, pi r square by 2, so what is the outward flux, e pi r square by 2, what is the inward flux, e pi r square by 2, what is the total flux, it is 0, now some students may be in doubt ki humne ye surface kyun nahi liya, ये सरफेस क्यों है, ये सरफेस ले अगर ले सकते हैं, बट द कैलकुलेशन देन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, हर जगह अलग अलग एंगल मिलेगा, यहाँ पे एन कैप यहाँ होगा, यहाँ पे एन कैप यहाँ होगा, यहाँ पे एन कैप इस साइड होगा, यहाँ पे एन कैप साइड होगा, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पे एन कैप इधर होगा, यहाँ पे इस साइड होगा, यहाँ पे इस साइड कहीं होगा, ये कॉम्प्लिकेट सिचुएशन बन जाएगी, इट्स वेरी सिंपल, let's take that area which is perpendicular to the electric field. So electric field ke kaun sa area perpendicular hai, to ye area le liya humne, to isme resolve karne ki zarurat hi nahi hai, isme har jagah aapko kya karna padta, resolve karna padta, uske baad integrate karna padta, and the answer will be same, iska positive hota flux, total flux, aur iska kitna hota negative hota, aapas mein balance ho jata aur answer zero aata, so what is the total flux here, it is zero, तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन एंटर कर रही है उतनी ही लीव कर रही है, तो सी है, तो हमें कौन सा सरफेस लेना चाहिए जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ऐसे फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है फॉर एग्जांपल, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने सिलेंडर रख दिया, सिलेंडर सर्कल, राइट सर्कुलर सिलेंडर, say this, this is right circular cylinder, इसका radius कितना है, r, height कितनी, h, तो what is the total flux, total flux is again zero, why, क्योंकि जितनी electric field lines enter कर रही उतनी leave कर रही है, cut किसे कर रही है, सिर्फ curved surface को, तो total flux कितना होगा, that is zero, and it is because of the curved surface, इसके कारण तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे theta कितना है, 90 degrees, flux will be zero, यहाँ पे भी theta कितना है, 90 degrees, तो flux will be zero here, now we flux क्या होगा, zero, it is only because of the curved surface here, but अब obviously अगर आप पूरा surface लेंगे तो different different angle आएगा, तो different different जगह resolve करना पड़ेगा, and the situation become very complicated, तो हम एक surface ले लेते हैं, ये वाला surface ले लेते हैं, see here, आप देखेंगे कि ये एक सरफेस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे है और परपेंडिकुलर है, और एक रेक्टेंगुलर सरफेस हो गई, सी दिस इज अ रेक्टेंगुलर सरफेस जिसकी ब्रेथ कितनी होगी, यहां से ट्वाइस ऑफ डायमीटर के बराबर, और लेंथ कितनी होगी, हाइट एच के बराबर, तो व्हाट इज द फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स निकालते हैं पहले, आउटवर्ड फ्लक्स ये वाला,
तो हम यहां एलिमेंट लेंगे और ये लेंगे एन कैप और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही रही है, तो व्हाट इज इट थीटा है 0 डिग्री, तो क्या फॉर्मूला आएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री सब इंटीग्रल ई व्हाट इज डी एस है ना कॉस 0 इज 1, तुम्हारा आंसर क्या आएगा ई इंटीग्रल डीएस। तो इसका इंटीग्रल पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या एरिया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस लेंथ इनटू ब्रेथ, व्हाट इज द लेंथ एच, व्हाट इज द ब्रेथ ट्वाइस ऑफ यू कैन से 2RH, तो आई विल राइट हियर ई इनटू 2RH, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड, इट इज आउटवर्ड, व्हाट विल बी द इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही तो व्हाट इज द इनवर्ड, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा और इतना ही होगा, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ई डी एस कॉस 180 एंड दैट विल बी अगेन ई डी एस माइनस 1 एंड ये माइनस ई आएगा और ये कितना आएगा 2RH सेम आ जाएगा अगेन सी है, व्हाट इज डी एस हियर स्मॉल, व्हाट इज दिस इंटीग्रल ऑफ डी एस एरिया कंप्लीट एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इट्स अ रेक्टेंगुलर शीट, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपोथेटिकल, दिस इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल, दैट इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल, ख्याल ही है इसकी चौड़ाई कितनी है 2R, इसकी हाइट कितनी है लेंथ कितनी है h, व्हाट इज द एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ h into 2R, or you can say 2R into h, 2RH. So this is inward, this is outward, outward is positive, inward is negative, inward के लिए आपको n cap इधर लेना है, theta कितना हो जाएगा 180 degrees, total flux कितना है फिर भी 0, so these are some, you can say numericals, based over electric flux, how to find the electric flux. And what is the main form of electric flux? This is the main form. This or this. And which surface we have to take in these situations? आपको वही surface लेना है जो electric field के perpendicular है. This is ये लिया, इसमें ये लिया. If it is a curved surface, तब भी आप perpendicular surface सोचो, hypothetical कैसा होगा? इसमें भी सोचो, hypothetical perpendicular surface कैसा होगा? So there may be another situations also. But what is electric flux? Number of electric field lines that cuts a given surface area. And this is the way to find it. And this is the formula. And there is a shortcut way also to find the electric flux, and that is using Gauss's theorem. So we will do it in the next next lecture. That's all for today. Thank you. Thank you very much.